हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक का 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यटन मानव विज्ञान में नई दिशाएं। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से मानव विज्ञानों ने या मानव विशेषज्ञों ने मानव का अध्ययन कर पर्यटन को बढ़ावा दिया है और पर्यटन के अंदर आज एक नई दिशा के अंदर मोड़ा है। यह टॉपिक हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो लास्ट क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की और पहला पॉइंट है, पर्यटन का इतिहास बहुत लंबा और सभी संस्कृतियों में व्यापक है। यह समकालीन लोगों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक तत्व है। ये दुनिया के प्रमुख उद्योगों में से एक है और विकसित और विकासशील दोनों देशों ने इसके महत्व को सकारा है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्यटन है उसका इतिहास बहुत लंबा रहा है और आज संस्कृति में यह एक व्यापक रूप से उभरा है। साथ ही आज की जनरेशन या आज के समय में यह लोगों के जीवन का अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही ये सामाजिक तत्व के रूप में उभरा है और साथ ही आज ये सबसे बड़ा उद्योग के रूप में उभरा है, जिसे विकसित और विकासशील दोनों ही देश इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और इसको सकारा है कि यह बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आज की जनरेशन के अंदर, आज की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन की मौलिक अवधारणाओं में लोगों के अपने निवास स्थान और काम के लिए बाहरी गंतव्यों में आवाजाही शामिल है। पर्यटन आजकल हमारा कहीं पे भी यात्रा करता है तो उसकी जो यात्रा होती है वो एक तरीके से मौलिक होती है प्राथमिक आवश्यकता के लिए। तो वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से किसी स्थान पर जाते हैं, या चाहे काम के वजह से जाए तो वह कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं और किसी भी स्थान पर आते जाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन में मानव शास्त्री रुचि ने 1970 के बाद गति प्राप्त की। अब यह भविष्य में विकास और उसके सकारात्मक संकेतों के साथ अच्छी तरह से स्थापित एक उप विषय है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शास्त्रियों ने 1990 में इसमें रुचि ली, किसमें? पर्यटन के अंतर्गत, और देखा कि किस प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से यह है लोगों के आने जाने के वजह से इसकी जो गति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही यह उसका एक उद्योग के रूप में उभर के आया, जिसके वजह से एक ये सकारात्मक संकेतों के रूप में एक अच्छा उद्योग उभर कर आया है। साथ ही एक विषय के रूप में कि यह भी एक इम्पोर्टेंट विषय है, इसके पर भी हमारी सरकार को, हमारी जनता को, हमारे स्थानीय लोगों को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और इस तरीके से एक विषय के रूप में उभर कर आया है। मानव विज्ञानी हर उस चीज में रुचि रखते हैं जो मानव जाति की चिंता करती है और संस्कृति के संकेत और संस्कृति परिवर्तन के साथ साथ मानव शास्त्रीय चिंता से उभरने वाले पर्यटन के प्रश्न के अध्ययन करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि जो मानव विज्ञान है वो हर उस चीज में रुचि रखता है जो मानव से जुड़ी है, संस्कृति से जुड़ी है। अगर संस्कृति या मानव के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं या कोई डाउट आते हैं या फिर किसी तरीके से यात्रा करने के दौरान उन्हें जो भी कठिनाइयां होती है उनसे रिलेटेड कोई प्रश्न उत्तर होते हैं या संस्कृति से होते हैं, उन सभी प्रश्नों व उन सभी चीजों के ऊपर चिंता का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, मानव विज्ञानों ने पर्यटकों को एक विजेता गवर्नर या मशीनरों के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया है, जो कि संस्कृतियों के बीच संपर्क के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के विभिन्न क्षेत्र विशेष के रूप में कम विकसित क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह कि मानव विज्ञान ने पर्यटकों को एक विजेता, एक गवर्नर, एक मशीन के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया है। उनका मानना है कि संस्कृति के अंदर जो एजेंट का जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं पर्यटक ही करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे। साथ ही ये विभिन्न क्षेत्रों के अंदर या कम विकसित क्षेत्रों के अंदर भी परिवर्तन का कारण उभर कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यटकों के व्यवहार के अनेक कारण हैं जिससे सिद्धांतों में विविधता है। हम कह सकते हैं बच्चों कि पर्यटकों के अंदर बहुत सारे व्यवहार होते हैं, हर पर्यटक का अपना अपना व्यवहार होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है, तो हम उनके विभिन्न सिद्धांतों को समझ पाए हैं, उनके अंदर भी जो विविधता देखने को मिलती है, कोई आस्था से जुड़ा होता है, कोई इंटरटेनमेंट से जुड़ा होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें वो विविधता के रूप में देखने को मिलती है। साथ ही यह हमें पर्यटक के संघर्ष में समाज और संस्कृति जटिलता तथा
पर्यटकों की प्रेरणाओं को समझाने में हमारी मदद करते हैं। पर्यटन के अत्यधिक नकारात्मक आकलन से इस विषय में एक अधिक संतुलन दृष्टिकोण उभरा है, और साथ ही यह पर्यटकों का जो संघर्ष है समाज के अंदर, संस्कृति के अंदर उनकी जो जटिलता है, पर्यटकों को प्रेरणा जो देती है उसको समझने में भी हमारी पर्यटक मदद करता है। साथ ही नकारात्मक और पॉजिटिव जो इफेक्ट पड़ते हैं उसे भी समझने का एक दृष्टिकोण देता है, जिसके वजह से हम समाज के अंदर व पर्यटन के अंदर एक संतुलन के रूप में उस दृष्टि को अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यटन ने समय के साथ समाजों में हुए बदलाव, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, मेज़बान समुदाय के पर्यावरणीय और सामाजिक ताने बाने और मेज़बान सरकार के लिए बनाए गए व्यवहार निहितार्थ के अध्ययन में भी योगदान दिया है। बच्चों, पर्यटन ने कहीं ना कहीं समय के साथ समाज में आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही स्थानीय लोग, समुदाय, पर्यावरणीय जो भी है रहते हैं पर्यटन के अंदर, उन सभी के ताने बाने या फिर उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है, संस्कृति हो चाहे समाज हो, और साथ ही सरकार के जो व्यवहार है उसे समझने के लिए हमें पर्यटन को एक तरीके से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारे समाज को समझकर पर्यटन को बढ़ावा देने में पर्यटन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, पर्यटन के अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को विभिन्न विद्वानों ने उजागर किया है। वैश्वीकरण और तीव्र संचार के संदर्भ में एक बदलती हुई दुनिया ने पर्यटन को प्रभावित किया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन के अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों देखे गए हैं। इसे देखकर विचारों ने अपने विचार उजागर किए हैं, जिसकी वजह से वैश्वीकरण ने तीव्र संचार हुआ है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, साथ ही बदलती दुनिया के अंदर पर्यटन के जो प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े हैं वो भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, समय के साथ साथ चरित्र भी बदल रहा है। पहले यात्रा में कई महीने, साल लगते थे और यात्रियों के अपने घर और समुदाय के साथ बहुत कम संचार था। पर्यटन की बदलती प्रकृति में योगदान करने के लिए मानव विज्ञानियों के पास बहुत कुछ है, क्योंकि दुनिया में जटिल तरीकों से बदल जाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो समय रहा है पर्यटन को लेकर, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके चरित्र में, कि जो यात्राएँ की जाती थी पहले कई महीनों और सालों के अंतर्गत की जाती थी, क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताएं नहीं थी और पर्यटकों के पास आने जाने के साधन नहीं थे, जिसके वजह से वह यात्रा बहुत समय के अनुसार करते थे। साथ ही यात्राओं के साथ वह अपने घरों और समुदायों से भी बातचीत नहीं करते थे, संचार में कमी थी जिसके वजह से वह यात्राएं कम करते थे, उसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पर्यटन की प्रकृति में भी पर्यटन की वजह से परिवर्तन आया है, क्योंकि उसने वैश्वीकरण को लेकर आया है, साथ ही जिसके वजह से हर चीज़ में अपना इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसी तरीके से दुनिया में जो जटिलता है, समय के अनुसार चीज़ें जो परिवर्तित हुई है पर्यटकों की वजह से हो चाहे स्थानीय लोगों की वजह से, उसने पूरे समाज का, समय का और साथ ही बदलती हुई आर्थिक स्थिति पर अपना इफेक्ट डाला है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण अक्सर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके द्वारा दुनिया के एक हिस्से में घटनाएं, निर्णय और गतिविधियों के कारण दुनिया के काफ़ी दूर के हिस्सों में व्यक्ति और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। बच्चों, वैश्वीकरण के वजह से हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी निर्णय हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो हम एक जगह पर बैठकर दूसरी जगह की देख सकते हैं या दूसरी जगह की कहीं और भी देख सकते हैं। इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पर्यटन के अंदर, और इस तरीके से हम समाज के हर चीज़ के बारे में, जो दूर थे वो पास हो गए, जो पास है वो दूर चले गए, इस तरीके से जो चीज़ें बहुत भाग रही थी या फिर हम कह सकते समय के साथ जो चेंजेस हो रहे थे उसमें भी रुकाव आया है, उसको भी अच्छे से समझने का एक मौका मिला है। साथ ही काफ़ी दूरों के जो हिस्से थे व्यक्तियों को लो चाहे समुदायों के लिए, उसको नज़दीक लाने का कार्य किया है, जिससे यह परिणाम निकलता है कि कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने पर्यटन को आपस में लोगों को एकता, प्रेम भाव के रूप में भी व्यक्त करने और समझने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू जैसे आर्थिक, सामाजिक व संस्कृति को प्रभावित करती है। और अब हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के आने से पर्यटन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभर कर आया है जिसके वजह से हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पर्यटन के द्वारा कोई भी पर्यटक यात्रा करता है तो उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो अपनी संस्कृति को बदलता है, उस स्थान के अकॉर्डिंग अपने आप के
खान पीन को, अपने पहनावे को बदलता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने पर्यटन को प्रभावित किया है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन ने भी वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। और इन दोनों प्रक्रिया से मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन, पर्यटक का जीवन प्रभावित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन स्थलों और गंतव्यों का काफ़ी पर्यटन बनना ना कठिन या वैश्वीकरण ने उन गंतव्यों को भी खोल दिया है, इस सिकड़ती हुई दुनिया में लोगों को करीब लाया गया है। हम कह सकते हैं बच्चों कि जिस गंतव्य पर बहुत कम लोग जाया करते थे या फिर वो ज़्यादा विकसित नहीं था या बहुत ही कठिन था कि वह एक पर्यटन के रूप में उसे खोल दिया जाए, उन सभी जगहों को खोल कर पर्यटकों को आने की परमिशन दी है। कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने इस उन सब चीज़ों को उजागर किया है लोगों के सामने, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे कोई स्थल हो, और इस तरीके से जो दूर दूर या छुपी हुई थी या सुकड़ी हुई थी उन सभी को पास में लाकर उसको बढ़ावा देने का कार्य किया है वैश्वीकरण ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, पहले जो व्यक्ति दूरस्थ गंतव्यों पर जाते थे उन्हें खोजी और साहसी कहा जाता था, जो खतरे और अनिश्चितता का सामना करते थे, लेकिन अब ऐसी दुनिया में जहां यात्रा और संचार तकनीक अत्यधिक रूप से विकसित हुई है, यहां तक कि बहुत दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी सामान्य पर्यटन का हिस्सा बन गई है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ज़माने में कोई भी चीज़ें हुआ नहीं करती थी, जिसके वजह से एक व्यक्ति को जब वो किसी भी गंतव्य स्थल पर यात्रा करता था तो उसे खोजी या साहसी कहकर पुकारा जाता था और खतरे और अनिश्चितता का सामना करने वाला एक व्यक्ति माना जाता था। परंतु अब दुनिया के अनुसार जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन से हो रहे, पर्यटन की वजह से हो रहे हैं, संचारों में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, उन सभी के वजह से वो यात्राएं बहुत सुलभ हो गई है। दूर दराज की कहीं पर भी यात्रा की जा रही है तो वो बड़ी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि पर्यटन और वैश्वीकरण ने उस स्थल को और विकसित कर दिया है और संचार और प्राथमिक आवश्यकताओं से उसे जोड़ दिया गया है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि वह पर्यटन का एक हिस्से के रूप में आ गया है और लोगों को एकजुटता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वैश्वीकरण। नेक्स्ट है, पर्यटन उद्योग में नए स्थानों को लगातार पर्यटन प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है और इस उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। बच्चों, पर्यटन उद्योग के अंदर नए नए स्थानों के वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही उस स्थल पर बहुत सारे रोजगार भी शामिल हो रहे हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि उद्योगों में अभूतपूर्व वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। न केवल पूंजी और वस्तुओं को की सीमाओं के पार स्थानांतरित किया जा रहा है, बल्कि पर्यटकों को भी स्थानांतरण किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि पर्यटन के वजह से कहीं ना कहीं पूंजी और वस्तुओं में डेवलपमेंट होते हुए देखा जा रहा है, और साथ ही वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं चीज़ों को तो डेवलपमेंट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसी भी स्थल के अनुसार, साथ ही किसी भी पर्यटक को उस स्थल के अनुसार खुद को बदलते हुए देखने का अनुभव हमें महसूस कराया है। दुनिया भर में सबसे बड़े विकास उद्योग, नियोक्ता और राजस्व के स्रोत के रूप में तीसरे दुनिया के कई देश ने जल्द ही महसूस किया कि वह अपनी पर्यटन क्षमता को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा की कमाई कर और अपनी प्रगति कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के जो तीसरे दुनिया के देश थे, उन्होंने महसूस किया कि पर्यटन कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम इस पर काम करते हैं तो आने वाले समय में हम अपने व्यवहार को बदलते हुए, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को वृद्धि करते हुए, राजस्व के द्वारा जो पर्यटक आते हैं उनसे जो मुद्रा मिलती है वो हमारी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को डेवलपमेंट करने में सपोर्ट कर सकती है, और अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो अपने ही स्थानीय पर्यटन स्थलों से भी हम अच्छा खासा कमा सकते हैं विदेशी लोगों से और अपना विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन किसी देश की राजनीतिक स्थिति और इसके दूसरे देशों के साथ संबंध से भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। पर्यटन निर्णय लेना एक पहलू है जिसे मानव विज्ञानी वैश्विक शक्ति क्षेत्रों के दायरे में अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन ने कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक के द्वारा एक दूसरे देशों के संग अच्छे संबंध स्थापित किए, लोगों के संग, क्षेत्र के संग, हम कह सकते हैं इसने कहीं ना कहीं लोगों को आपस में एकता, एकजुटता, प्रेम भाव भी उत्पन्न किया है। साथ ही यह किसी भी विषय के बारे में अगर निर्णय लेना है तो हम एक संगठन बनाकर या फिर एक समूह समुदाय बनाकर किसी
भी विषय के ऊपर कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा देश के ऊपर या राज्य या क्षेत्र के ऊपर, उसके ऊपर भी अध्ययन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर के क्षेत्र में भी इसके ऊपर अध्ययन किया है। जैसे लोग केवल एक मापदंड के आधार पर विशेष स्थानों की यात्रा करने का निर्णय नहीं लेते, अपितु वह स्थान के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहित कई पहलुओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्यटन स्थल, अगर कहीं पर भी पर्यटक आकर्षित होकर जाता है तो किसी एक चीज़ से प्रभावित होकर नहीं जाता या एक ही चीज़ को नहीं देखता, वह उस स्थल के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि पहलुओं का ऊपर भी ध्यान देता है कि अगर वह कहीं जा रहा है तो उसको उन सारी सुविधाओं का लाभ भी उठा सके और साथ ही वो जिस विषय के उद्देश्य से जा रहा है उसको भी पूर्ण कर सके। तो ये सारे पहलू कहीं ना कहीं किसी भी पर्यटन स्थल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, और इस प्रकार कई विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं पर्यटन को लेकर कि वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम कुछ विचारकों के विचार पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पर्यटन पर वैश्वीकरण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले हैं मार्क्स के विचार। मार्क्स ने अपने विचारों में वैश्वीकरण ना केवल स्थानीय समुदायों का चेहरा बदल रहा है बल्कि मानव विज्ञान के अध्ययन को भी बदल रहा है। बच्चों, मार्क्स कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो स्थानीय लोग जो वहाँ का निवासी है उसके चेहरे को बदल रहा है, बल्कि वह मानव विज्ञान ने जो भी अध्ययन किया है समय के अनुसार उन सभी चीज़ों का भी परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे माइकल कर्नी और जॉर्ज मार्क्स के विचार। यह पहले मानव विज्ञानी थे जिन्होंने वैश्विक और प्रभाववाद को पहचाना, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत, सामुदायिक पहचान, विराष्ट्रीयकरण और प्रवास जैसे मुद्दों पर पड़ा। बहुत सारे विचारक रहे हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को समझा, उसके प्रभावों को समझा, उसको पहचाना कि वह एक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है, समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरीके से वह अन्य मुद्दों से, अन्य लोगों से एक दूसरे को आपस में जोड़ता हुआ उभर कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को कई देश के लिए वीज़ा और की आवश्यकता नहीं है। एक देश और दूसरे देश के बीच राजनीतिक संबंध भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिए वित्तीय बाधाएं भी महत्वपूर्ण मापदंड है। पहली दुनिया के देशों के आगंतुकों के लिए तीसरी दुनिया के देशों को पर्यटन के लिए पसंदीदा स्थान माना जाता है क्योंकि उनके लिए वहाँ सब कुछ सस्ता होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ के लोगों को कहीं पे भी जाने के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, वह कहीं पे भी आ जा सकते हैं और उनकी राजनीतिक संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी वित्तीय सहायता भी अच्छी होती है, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छे होने की वजह से वो कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। और साथ ही देखा जाता है कि पहली दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के लोग जो होते हैं या देश जो होते हैं वह उन स्थलों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर अच्छे और सस्ती चीज़ों के द्वारा वह अपनी उस यात्रा को पूर्ण कर पाते हैं और वहाँ पर इंटरटेनमेंट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रौद्योगीकरण उपकरणों और तकनीकों का आविष्कार है। प्रौद्योगिकी संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है और तकनीकी परिवर्तन संस्कृति परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रौद्योगीकरण जो है, जो आज की जनरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, मनुष्य को प्रभावित करती है, उनके अंदर परिवर्तन लाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानव विज्ञानी बहुत लंबे समय से संस्कृति और तकनीकी परिवर्तनों के अध्ययन में लगे हुए हैं। तकनीकी परिवर्तन केवल यांत्रिक परिवर्तन नहीं होते बल्कि सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यक्तियों के व्यवहार की पद्धति में काफ़ी परिवर्तन से होते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव विज्ञान है वो कहते हैं कि लंबे समय से किसी भी चीज़ की तकनीकी का आविष्कार जो किया गया वो सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तन का अध्ययन कर ही नहीं लगाया जा सकता या फिर उनके द्वारा ही नहीं हो सकता, बल्कि वो एक तरीके से सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यक्तियों के व्यवहार के रूप में उन एक्टिविटियों को या फिर उन तकनीकों को सामने लाया जाता है क्योंकि उसी के द्वारा, मतलब समाज या व्यक्ति के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं और उसको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है, तभी हम किसी भी परिवहन या फिर तकनीकी का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ दुनिया भर के समाजों में
बहुत कुछ बदल गया है। बदलते शहरीकरण के साथ मानवीय संबंध समाप्त हो गए हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि इंटरनेट और प्रौद्योगिकी जो डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनेट आया है, कहीं ना कहीं वह समाज पर भारी मात्रा में बदलाव देखने को मिले हैं। जो शहरीकरण के लोग हैं, जो मानवीय संबंध है एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं वीक होते हुए दिखाए गए हैं और लोग अधिक व्यक्तिवादी भी हो गए हैं। हालांकि ऐसे सभी संस्कृतियों में नहीं हुआ है। पहले अधिकांश जीवन परिवारों के भीतर समाहित थे और लोग अपना अधिकांश जीवन घरेलू कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए करते थे। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहले जो जीवन हुआ करता था, जो लोग हुआ करते थे, अपने मम्मी पापा अपने सगी संबंधियों के साथ रहा करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। साथ ही उनकी जो वार्तालाप की प्रक्रिया है, या एक व्यक्तिगत व्यक्ति चाहता है कि वो खुद अकेला रहे, वो अपने मम्मी पापा के संग न रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़े, तो इसके वजह से वो अलग हो गए हैं, अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ में इंटरनेट की वजह से प्रभावित हुई है, तकनीकी वजह से प्रभावित हुई है, परंतु कुछ ऐसी संस्कृतियाँ भी हैं जहाँ पर अभी तक इंटरनेट की चीज़ें नहीं पहुँची है या टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, तो वहाँ पर संबंध आपको बहुत ही प्रेम भाव से, कम लड़ाई, कम अहिंसा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेट और प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति और एक संस्कृति के अंदर उनके जो कर्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, या लोग उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे के और, या व्यक्तिगत रूप से अकेले रहना, या फिर अकेले अपने बच्चों के संग, अपने परिवार के संग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, माता पिता पूरा परिवार के साथ कम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी के समग्र परिवर्तन और अधिक शहरीकरण के साथ लोग अब समुदाय और परिवार के साथ गहन भागीदारी से मुक्त हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि समय के साथ प्रौद्योगिकी ने परिवर्तन कर दिया है, जिसके वजह से जो शहरीकरण है वहाँ के लोग या तो समुदाय या परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। शहरों में लोगों का एकीकरण, जीवन शैली अपनाना, व्यक्तिगत निर्णय लेना और उनके स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, जैसे कि पति पत्नी और बच्चों का परिवार अपने बुजुर्ग से अनुमति लिए बिना कहीं घूमने के लिए एक स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। कुछ संस्कृति में लोग विशाल परिवार के साथ समूह के भी यात्रा करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ज़माने में जिस तरीके से एक परिवार के अंदर अपना कोई भी निर्णय परिवार का बड़ा लेता था और तभी पूरा परिवार चलता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। समय के अनुसार टेक्नोलॉजी के आने की वजह से समाज जो है वो शहरीकरण की ओर जा रहा है, जिसके वजह से हर लोग अपने माता पिता से दूर रहकर, या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत निर्णय से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो अपने पापा मम्मी और चाचा ताऊ के संग रहे, वो चाहता है कि वो खुद अपने परिवार के संग, जैसे अपने बच्चे बीबी के संग रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी कहीं पर भी घूमना फिरना फ्रीडम चाहता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्रौद्योगिकी या फिर इंटरनेट ने यह सिद्ध कर दिया है, या उसमें परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में वैश्वीकरण में ये बहुत हद तक संभव है कि असंबंधित यात्रियों के समूह में भिन्न भिन्न राष्ट्रीयताओं और संस्कृति के लोग आ सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार वैश्वीकरण ने बहुत सारे लोगों को या तो एक साथ ला दिया गया है, या फिर अलग अलग कर दिया है, फिर या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे राष्ट्रीय लोग की जो संस्कृतियाँ होती हैं वो आपस में एक साथ रह सकती है। बहुत सारी संस्कृति को जानने का मौका वैश्वीकरण देता है आज वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट और मीडिया संचारण ने लोगों को जोड़कर दुनिया को एक घर में ला दिया है। मीडिया ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। पर्यटकों के दौर का एक व्यापक प्रभाव भी होता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र लोकप्रिय में लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, जिससे पर्यटक में आवाजाही में तेज़ी से वृद्धि होती है। अनौपचारिक नेटवर्क का उपयोग शब्द को फैलाने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें रुचि प्राप्त करें, जिसका अर्थ होगा लोगों का किसी विशेष स्थान पर जाना। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि इंटरनेट और मीडिया ने बहुत सारे लोगों को जो अलग अलग बिछड़े हुए थे उनको आपस में लाकर एक घर में ला दिया है, जिसके वजह से मीडिया ने लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई है, चाहे अपनी संस्कृति हो, समाज हो, इतिहास हो, किसी भी चीज़ के बारे में उसने जागरूकता फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? इंटरनेट और मीडिया ने। साथ ही लोकप्रियता में लाभ
आया है, बहुत सारी चीज़ों में प्रेम भाव आया है, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, जिसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी इंटरनेट और मीडिया ने। और आज हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में पर्यटक रुचि लेने लग गया है, उसको जानने की इच्छुकता हो गई है कि हमारी संस्कृति इस तरीके से दूसरे की संस्कृति है, उनका त्यौहार अलग अलग क्यों है, उसके बारे में उसके मन में जागरूकता उत्पन्न हो गई है। और ये सब संभव हो पाया है हमारे इंटरनेट और मीडिया के प्रभाव की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन वैश्वीकरण स्तर पर अपने कार्यों का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य उद्यम लोगों को प्रोत्साहित करता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के उपयोग ने पर्यटन उद्योग को अपना विस्तार देने में सक्षम बनाया है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त नए पर्यटन के इस चेहरे को दो प्रमुख आयाम है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन वैश्वीकरण ने अपने स्तर को और बढ़ाया है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उद्योगों में परिवर्तन कर रहे हैं और तकनीकों को बढ़ा रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सक्षम बना रहे हैं सारी चीज़ों को जानने के लिए कि वह घूमे फिरे, और पर्यटन के प्रभाव जो पड़ रहा है आर्थिक स्थिति में पॉजिटिव, उसको और प्रसार प्रचार करे, अपने देश का, अपना संस्कृति का गौरव के रूप में पर्यटकों के सामने रखे। तो इसको दो चेहरों के रूप में आयाम किया है। जैसे नेक्स्ट है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और पर्यटन प्रोत्साहन में बदलाव। आपूर्तिकर्ता के सामने लक्ष्य आबादी के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करता है, अर्थात जैसे पर्यटक ट्रैवल एजेंसियां और अन्य मध्यस्थ संगठनों का उपभोक्ता के साथ सीधा संबंध बनाने में मदद करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरीके से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धाएँ वैश्वीकरण है जिसने इंटरनेट मीडिया को ला दिया है, टेक्नोलॉजी को ला गया है, वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बना रहा है और जिसे चाहिए उस तक पहुँचने का कार्य करने का कर रहा है, और साथ ही लोगों से कम्युनिकेट कर पाने में उसकी ने एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हम उदाहरण समझ सकते हैं कि जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंसी और मध्यस्थताओं के साथ जुड़कर जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे सीधा संपर्क करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वैश्वीकरण या टेक्नोलॉजी की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ता जरूरतों की त्वरित पहचान करते हैं और कुछ ही समय में एक व्यापक व्यक्तित्व युक्त और नई जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। पर्यटकों को जो भी ज़रूरतें चाहिए होती है वो तुरंत ही मिल जाती है। पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी या संसाधन नहीं थे कि एकदम से सारी चीज़ों को पता कर ले या एक ही बारे में एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, परंतु अब ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के आने वजह से समय में भी परिवर्तन हुआ है, साथ ही जिस भी समय में या जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए उसे तुरंत उपलब्ध हो जाती है टेक्नोलॉजी या वैश्वीकरण के द्वारा। इंटरनेट ने नए प्रकार के पर्यटकों को ज्ञानवान बनाने और पैसे और समय के लिए मूल्य प्राप्त कराने का अधिकार देकर उपभोक्ता की पसंद और सेवा वितरण की प्रक्रिया के लचीलेपन में क्रांति ला दी है। बच्चों, कहीं ना कहीं इंटरनेट ने पर्यटन के अंदर पर्यटकों को बहुत सारा ज्ञान देने के वजह से उन्होंने पैसे कमाने और समय का अपना यूटिलाइज़ कर कर कि भाई जिस भी पर्यटक को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इच्छा चाहिए, वो कम्युनिकेट करता है वो अपने सगे संबंधित दोस्तों से। तो इस प्रकार से वह एक जो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसकी इच्छा को समझ पा रहा है, और साथ ही वह उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट चाहिए पर्यटक को, उसकी प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण भी कर पा रहा है। इंटरनेट के द्वारा यह प्रोसेस समझ पाए हैं, कर पाए हैं और संभव हो पाया है, और उसने एक तरीके से लोगों को पैसे कमाने और अपने समय को किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट कर कर एक सर्विसेज देने के कार्य में छूट दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन उत्पादों की पेशकश ना केवल ग्राहकों की संतुष्टि निश्चित करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि पर्यटक संगठन भविष्य में भी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो पर्यटक कहीं ना कहीं पर्यटकों के सामने पेशकश करती है, और वही प्रोडक्ट अगर पर्यटक ले लेता है तो उसकी संतुष्टि को भी पता करता है, साथ ही पर्यटन कहीं ना कहीं जब वो उससे सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो उस प्रोडक्ट को लेकर जो उपभोक्ता है, यूज़ कर रहा है, जो बनाने वाला है, वो एक तरीके से सिक्योर हो जाता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट पर्यटक को अच्छा लग रहा है और वो आने वाले भविष्य में भी उसको लेकर सेटिस्फेक्शन उसे महसूस होगा और वो आगे भी बेच सकेगा उस प्रोडक्ट को, साथ ही
पर्यटक संगठन संभावित पर्यटकों की मांग और चिंताओं को देखने के लिए व्यापक बाजार अनुसंधान में खुद को शामिल कर लिया है। और इस तरीके से पर्यटक ने एक तरीके से पर्यटन से जुड़कर, टेक्नोलॉजी से जुड़कर कहीं ना कहीं जो भी पर्यटक की चिंताएं होती है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे उसकी प्राथमिक आवश्यकता हो, उन सभी में जुड़कर वैश्वीकरण ने पर्यटन को उभारा है और एक बाजार का रूप परिवर्तित करने में मदद की है पर्यटकों को अच्छे से और समझने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है संबंध विपणन, जिसे हम रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं। विकसित करने से पर्यटन संगठनों को उपभोक्ताओं के साथ घनिष्ठ समझदारी स्थापित करने और उपभोक्ता प्रतिधारणा और वफादारी बनाए रखने की अनुमति मिली है। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारे अच्छे रिलेशनशिप मार्केटिंग में सपोर्ट किया है, जिससे हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, साथ ही उन्हें समझते हैं और उनके बीच में समझदारी प्रतिधारणा को स्थापित कर पाते और वफादारी को निभा पाते हैं कि हाँ भाई अच्छे संबंध है, अच्छे लोग हैं, जिसके वजह से वह अपने प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं और आने वाले समय में इसके द्वारा वह अच्छी मार्केटिंग के द्वारा अपने प्रोडक्ट को भी अच्छी सेल कर सकते हैं। और ये सब किस तरीके से संभव हो पाया है वैश्वीकरण के आने से या टेक्नोलॉजी के वजह से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इंटरनेट उपभोक्ता को विश्वसनीय और सटीक जानकारी तक पहुंचने और समय के हिसाब से आरक्षण करने की अनुमति देता है। बच्चों, इंटरनेट उपभोक्ता को जो भी प्रयोग कर रहा है किसी भी तरीके से, उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी जो जानकारी है, जो जिस भी तरीके की वो उस पर ढूंढ रहा है या फिर सर्च कर रहा है, वह सटीक है, सही है और उसको आरक्षण करने की या फिर उस चीज़ पर उसे छूट देता है कि हाँ भाई ये परफेक्ट है, इसका यूज़ आप आगे भी इन फ्यूचर भी कर सकते हैं। उपभोक्ता की मांग के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे पर्यटकों को संतुष्ट अधिक होगी। हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता को उसके अनुसार जो सूचनाएं मिली है प्रौद्योगिकी के माध्यम से, उसकी गुणवत्ता तो बताता ही बताता है, साथ में ही सुनिश्चित करता है कि वो कितनी सटीक है, संतुष्ट दिलाती है पर्यटकों को, उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वैश्वीकरण या टेक्नोलॉजी के द्वारा। पर्यटन अपने कहीं भी किसी भी स्थल के बारे में, जहाँ भी पर्यटक जाना चाहता है, उसको ढूंढकर उस जानकारी को यूज़ कर सकता है इन फ्यूचर के लिए भी और या फिर उसी समय के लिए भी, कि वह अगर किसी कार्य के लिए ढूंढ रहा है कोई जानकारी तो उसका प्रयोग कर सकता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर वह किसी स्थल पर घूमने जाता है और चाहना चाहता है कि वो उस स्थल किस तरीके का दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो इस के द्वारा प्राप्त कर सकता है और उसे उसमें संतुष्टि भी मिलेगी। इस चीज़ का इंटरनेट ध्यान रखता है अपने उपभोक्ता के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नए उपभोक्ता अक्सर स्थानीय समाज के साथ अधिक भागीदारी पसंद करते हैं क्योंकि वह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से अधिक जागरूक है। बच्चों, नए उपभोक्ता अक्सर क्या करते हैं, स्थानीय समाज के साथ साथ अपनी भागीदारी भी पसंद करते हैं, जिसके वजह से उनकी सांस्कृतिक और पर्यावरण में प्रभावित हो और उनसे ज़्यादा जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को, स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जागरूक होती है, इसलिए वह उनसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। ऐसे पर्यटक जो नए होते हैं, किसी भी स्तर पर जाते हैं, तो स्थानीय लोगों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ के। नेक्स्ट है, अधिकतर पर्यटन योजनाओं का लक्ष्य आगंतुकों की संख्या बढ़ाने या पर्यटकों को इस विश्वास के साथ आकर्षित करने के लिए निर्धारित किया जाना है, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो और स्थानीय समुदाय का लाभ हो। हम कह सकते हैं कि जो पर्यटन है उसको और अधिकतर योजनाओं को, उसके लक्ष्यों को परिपूर्ण करने का, उसे बढ़ाने का, यह एक बहुत अच्छा मार्ग है टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम पर्यटकों को विश्वास दिला सकते हैं, उस स्थल की ओर आकर्षित कर सकते हैं और बार बार आने के लिए कि वह उस जगह पर आए और उस स्थल का विकास हो, वृद्धि हो, इसकी वजह से आर्थिक स्थिति में उसे लाभ मिले और स्थानीय लोगों को रोज़गार में भी लाभ मिले। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, भारत जैसे विकासशील देशों में विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान पर निरंतर जोर दिया जा रहा है। ये योजनाएं अक्सर बाहरी सलाहकारों द्वारा बनाई जाती है और किसी विशेष क्षेत्र के पर्यटन उद्योगों की क्षमता के बहाने निवेश को
आकर्षित करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर भी विकासशील देश जो हमारे हैं भारत, वो एक तरीके से उनके अंदर भी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है, ऐसे पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं जिससे पर्यटक आकर्षित होकर आ सके। तो यह जो योजना है वो हमारी आउट ऑफ कंट्री के लोगों से या आउट ऑफ क्षेत्र या राज्य के बाहर के लोगों से बनाई जा रही है जिससे उस स्थल की पॉजिटिविटी और गुणवत्ता में वृद्धि हो और भारी मात्रा में पर्यटक उस पर निवेश कर सके, उस स्थल पर आ सके और इस तरीके से वहाँ के लोगों को भी स्थानीय रोजगार मिल सके। ऐसे आकर्षक केंद्र बिंदु पर सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्वीकरण पर्यावरण पर चिंता बढ़ रही है। पर्यावरण ने विकास और पर्यटन की स्थिरता पर चर्चा को महत्व मिलता है कि इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और पर्यटन विकास की योजनाओं को ऐसे तरीकों से तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके और साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सके। इसलिए पर्यटन और इसके विकास नियोजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे, बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि वैश्वीकरण की चिंताएँ पर्यावरण को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहा जा सकता है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, उसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाए और टेक्नोलॉजी के साथ या डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे पॉजिटिविटी जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़े और जिससे किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, ना ही प्रकृति को, ना ही स्थानीय लोगों को, ना ही सरकार को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। जितना भी इफेक्ट पड़े डेवलपमेंट की वजह से वो पॉजिटिविटी ही हो। इस तरीके से ऐसे निर्णय, नियम, कानून बनाने चाहिए, योजनाएं बनाने चाहिए। वो कैसे हैं उसे समझते हैं। पहला, सांस्कृतिक अखंडता। पर्यटन को पर्यटन की नीति के माध्यम से धर्म, कला और संस्थानों में व्यक्ति संस्कृति को विकसित करने, बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। जो सांस्कृतिक अखंडता है पर्यटन को लेकर, उसमें ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिससे हमारी जो नीतियाँ हैं वो माध्यम से धर्म, कला, संस्कृति, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दे, ना कि उसे घटाए, जिसकी वजह से हम अपनी संस्कृति को अखंडित रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और वो जैसी की तैसी है उसे वैसे रख सकते हैं और अपने इस संस्कृति का उपयोग हम आर्थिक स्थिति व आउट ऑफ कंट्री के द्वारा भी इसको और डेवलपमेंट कर सकते हैं कि वह इस चीज़ों से आकर्षित होकर हमारे देश में आए और हम अच्छा खासा पैसा कमा सके। इसलिए हमें अपनी संस्कृति की अखंडता को बनाए रखना है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है बच्चों, पारिस्थितिक अखंडता। पर्यटन गतिविधियों को क्षेत्र की पर्यावरणीय क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए और भूमि, जल, वायु और वनस्पतियां जैसी जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को ऐसी गतिविधियों पर निर्णय लेना चाहिए कि पर्यावरण जो है वो किसी भी प्रकार से उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने चाहिए। जल, भूमि, वायु, वनस्पतियां, उन सभी चीज़ों को संरक्षित करना चाहिए और इको टूरिज्म को इस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारे प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और मनुष्य का जो जीवन है या पशुओं का जो जीवन है वो किसी भी प्रकार से खतरे में ना आए। इस तरीके से हमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, संतुलन। कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। पर्यटक क्षेत्रों की सावधानीपूर्वक स्थानीय योजनाएं उनके संसाधन आधार के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए कृषि के अंदर भी, पर्यटन के क्षेत्रों के अंदर भी, जिसके वजह से हम अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा दे सके और कि वह एक तरीके से और वृद्धि हो और साथ ही हम अपने पर्यावरण के बीच में भी संतुलन बिठा सके कि जिससे जो संसाधन पर्यटकों के अनुसार या पर्यटकों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बनाए जा रहे हैं उसमें संतुलन बिठाते हुए हम अपना विकास कर सकें, उसके आधार को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपने इको टूरिज्म को भी ध्यान में रखना है और लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो संसाधन बन रहे हैं उसको भी ध्यान में संतुलित रखते हुए कार्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, समुदाय। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पर्यटन व्यवसायों में भाग लेने के लिए और साथ ही साथ शिल्प उद्योगों और कृषि उद्योगों का समर्थन करने के लिए स्थानीय समुदायों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों, समुदाय का जब भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट वे में करें चाहे गवर्नमेंट के द्वारा करें, मतलब डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसका जब विकास किया जा रहा हो उस पर्यटन स्थल का, तो वहाँ के छोटे छोटे उद्योगों को, कृषि उद्योगों को, शिल्प उद्योगों को और स्थानीय लोगों के समूहों को भी इसमें अवसर देना चाहिए कि वह भी अपने मतों को रख सके और उनको सजेस्ट कर सके कि सरकार डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो किसी भी तरीके से पर्यटन को या स्थानीय लोगों को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन की गुणवत्ता में समानता और वृद्धि पर्यटन
का लाभ स्थानीय समाज तक पहुंचना चाहिए और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि हमें जीवन की गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए उसको वृद्धि करना चाहिए और स्थानीय समाज तक पहुंचना चाहिए। जितनी भी पॉजिटिविटी हैं उसके द्वारा हमें समाज के अंदर पहुंचना चाहिए कि उनके जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि हो और बढ़ावा मिले और लोगों को रोज़गार मिले और आर्थिक स्थिति को वह अपने देश की अच्छा कर पाए। और यह नेक्स्ट टॉपिक की ओर समझते हैं, पर्यटन मानवीय विज्ञान की नई दिशाएँ। सामाजिक आर्थिक राजनीति व सांस्कृतिक को एक नई दिशाएं मिली है जिसे रोज़गार में वृद्धि हुई है। बच्चों, पर्यटन को बढ़ावा देने के बाद, पर्यटन को समझने और वैश्वीकरण के इफेक्ट देखने के बाद किस प्रकार से पर्यटन में मानव विज्ञान का जो ध्यान है वो गया है, उसको एक नई दिशा मिली, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले। तो ये कहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक दिशाओं में मानव विज्ञान के द्वारा वृद्धि हुई है क्योंकि उनको रोज़गार मिला है। इस तरीके से बहुत सारी इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, छोटे व कुटीर उद्योगों को भी बढ़ाया जा रहा है हमारी नई दिशा के अंदर मानव विज्ञान की, उसमें छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सरकारी व निजी कंपनियों के द्वारा उद्योगों में वृद्धि की जा रही है। सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां मिलकर उद्योगों का निर्माण कर रही है जिससे उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। लोगों को रोज़गार भारी मात्रा में मिलेगा और सर्विसेज भी ज़्यादा हो जाएगी जिसके वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा और सुविधाएँ उपलब्ध हो पाएगी। नेक्स्ट है, सरकारों के द्वारा भी पर्यटन को सरल बनाया जा रहा है जिससे पर्यटकों को कहीं भी घूमने के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कुछ ही चीज़ों व नियमों को मानकर पर्यटक कहीं भी आसानी से घूम सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार भी अब इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिसके वजह से कुछ नियम कानून जो भारी मात्रा में लाइन लगाकर वीज़ा बनवाना ये सारी चीज़ें तो हैं, परंतु बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट का काम होता था उसको कम करके कुछ ही चंद डॉक्यूमेंट के द्वारा कहीं भी पर्यटक घूम फिर सकता है। ऐसे नियम कानून गवर्नमेंट बना रही है जिसके वजह से पर्यटकों को बहुत सारी समस्याएं जो होती थी डॉक्यूमेंट्स के दौरान उन सब से राहत मिलती दिखाई दे रही है पर्यटन के अंदर जब से इसमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। नेक्स्ट है, स्थानीय व समुदायों को साथ लेकर पर्यटन की योजनाएं बनाई जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं और समुदाय उनको साथ में लेकर पर्यटन को लेकर जो योजनाएं वो बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, पर्यटन व पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है लोगों को जागरूक कर और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पर्यटन और पर्यावरण किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसको संरक्षित करना चाहिए, इसकी जानकारी पर्यटकों को दी जा रही है। पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा रहा है व उनकी किसी प्रकार से हानि ना हो ऐसे कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। सरकार क्या कर रही है, पर्यावरणीय प्रकृति को लेकर संरक्षित करिए, उस पर नियम कानून बना रहे जिससे उनको किसी भी प्रकार से हानि ना पहुँचे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय के लिए यात्राओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही यात्राओं को बढ़ावा दिया जा रहा है पर्यटन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राथमिक आवश्यकताओं को बढ़ाया जा रहा है जैसे आवास, खान पीन, रहन सहन, जो भी पर्यटक के किसी भी स्थल पर जाकर ये रिक्वायरमेंट होते हैं उन सब चीज़ों को भी फुलफिलमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्राथमिक संसाधनों में वृद्धि की जा रही है जिससे पर्यटक कहीं भी यात्रा कम समय में और आराम से कर सके। और प्राथमिक संसाधन जो है, पर्यटक किसी भी स्तर पर जाता है उसकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, उन संसाधनों में भी वृद्धि की जा रही है, कम समय में वे कहीं पर भी जा सकते हैं या फिर किसी भी संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा उड़ान जैसी नई योजनाओं के अंतर्गत देश के छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है जिससे आम नागरिक भी इसकी सुविधा उठा सके। छोटे छोटे जगहों पर भी हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं जिससे वहाँ का जो नागरिक है, ये स्थानीय लोग हैं या आम लोग हैं, उनका प्रयोग कर वो अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। नेक्स्ट है, पर्यटन में संसाधनों का विकास के साथ तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज देश की जीडीपी में पर्यटन उद्योग की भागीदारी लगभग 9.5% हो गई है। बच्चों, दिन प्रतिदिन जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है पर्यटन के अंदर, उसकी जो जीडीपी है उसमें उद्योग की जो भागीदारी रही है वो 9.5% हो गई है। इसे नए नए रोज़गार के साथ कार्य भी सामने आ रहे हैं, लोगों को नए नए रोज़गार मिल रहे हैं, जो उनकी स्किल्स है वो भी इन्हेंस हो रही है और नए नए चीज़ों के कार्य भी सामने आ रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं हाथ से बनी बुनाई, शिल्पकला, चित्र, जूट के बने बैग, बांस से बनी चटाई आदि। हम कह सकते हैं कि
जिस तरीके से वैश्वीकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, टेक्नोलॉजी आ रही है और इस तरीके से पर्यटक एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे देश के लोगों को ही प्रॉफिट हो रहा है, जैसे जो स्थानीय लोगों को नहीं बल्कि संस्कृति को बरकरार रखती है और उन्हीं राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करती है। और इस तरीके से जब के ही लोग रोजगार करेंगे, अपने ही विकास को, अपने ही स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने देश का विकास करेंगे, तो वहाँ की राज्य की ही आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। उन्हें किसी भी तरीके से आउट ऑफ कंट्री के लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा ही पैसा हमारे ही देश में रहेगा और वृद्धि करने में सपोर्ट करेगा। और इस प्रकार मानव विज्ञान एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते इसके प्रश्न उत्तर की ओर, कि इस पाठ से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आंसर पूछे जा सकते हैं। जैसे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर, पहला है वैश्वीकरण, समकालीन पर्यटन और सतत विकास का विवरण कीजिए। आपको इसके अंदर बताना है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से आज के समय में अपने पर्यटन के को सतत विकास के रूप में डेवलपमेंट किया है या फिर किस तरीके से इफ़ेक्ट डाला है। हम अगर समझे तो वैश्वीकरण टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं, समकालीन आज का समय है, पर्यटन एक यात्रा है और सतत विकास आने वाले विकास की जो सोच होती है, जो चिंता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए कि उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, उसको कोई लॉस ना हो, उसको ध्यान रखते हुए विकास करती है। तो इस तरीके से किस प्रकार से वैश्वीकरण ने आज के समय में पर्यटन को प्रभावित किया है, उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशाओं का विश्लेषण कीजिए। आपको इसके अंदर बच्चों पर्यटन के बारे में बताना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और उसने किस तरीके से अपनी एक नई दिशा ली है और किस तरीके से बहुत सारे लोगों को इससे क्या क्या प्रॉफिट देखने को मिले, या हमारे देश में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे सरकार में हो, किस तरीके से हमारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और विकास हुआ है, उन सभी चीज़ों पर उसके ऊपर इसमें एक्सप्लेन करना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।